दोस्तों कुमार सानू बॉलीवुड की वो सुरीली आवाज है जिसे लोग आज भी घंटों सुनना पसंद करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कुमार सानू का अमूल्य योगदान रहा है और उनके गाए हुए गाने आज भी टीवी पर आ जाएं तो मन और कानों को सुकून सा मिलता है। कुमार सानू की तरह ही उनकी बेटी शैनन भी एक बेहतरीन गायिका है। शैनन 18 साल की है और गायकी की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि शैनन ने अपने करियर की शुरुआत हॉलीवुड से की थी। उनके द्वारा गाया गया पहला गाना एक अमेरिकी संगीत अलॉन्ग टाइम था। इसके अलावा वो एंटी बुलिंग सॉन्ग एंथम गिव मी योर हैंड भी गा चुकी हैं और इसी गाने ने उन्हें असली पहचान दिलाई थी। इस गाने के लिए शैनन को हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स की ट्रॉफी भी मिली थी। बॉलीवुड की बात करें तो शैनन सोनू निगम के साथ फ्यूजन सॉन्ग पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में टिकटॉक गाने का हिस्सा भी रह चुकी हैं। शैनन अपने पिता की तरह ही गायकी में बहुत टैलेंटेड हैं। शैनन की केवल आवाज ही नहीं बल्कि खूबसूरती भी कमाल की है। शैनन इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती हैं। यहाँ पर वो अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें फैंस के साथ साझा भी करती रहती हैं। शैनन को इंस्टाग्राम पर 28 लाख लोग फॉलो करते हैं। शैनन बेहद ही स्टाइलिश लुक में रहती हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी काफी क्लासी है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर दौड़ाई जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि लाइफस्टाइल को लेकर वो बहुत ही हाई क्लास हैं। शैनन ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने पिता कुमार सानू को ही अपना सिंगिंग गुरु मानती हैं। आगे वो ये भी कहती हैं कि उनके लिए ये काफी गर्व और सम्मान की बात है कि उन्होंने अपनी गायकी के बेसिक गुण अपने पिता कुमार सानू से सीखे हैं। शैनन ने ये भी कहा कि मेरे पिता मेरे लिए किसी भी बड़े गिफ्ट से कम नहीं है। संगीत को लेकर मेरा ज्ञान मेहनत और प्यार उन्हीं की देन है। उन्होंने मेरे हर निर्णय को सपोर्ट किया है, मुझे प्रोत्साहित किया है और मुझे सपने देखने में और उन्हें पूरा करने में पूरी सहायता की है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सुर के सम्राट कुमार सानू की बेटी शैनन, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।